बढ़ गई, वही गणपति वाली, वही गणपति वाली धर्म निष्ठा बढ़ गई, पर धर्मी में निष्ठा नहीं है। जा ठाकुर के तुमको मनोरथ हो रहे हैं, वह मनोरथ करने की तुमको निष्ठा है, वह ठाकुर को तुम घर में क्यों नहीं पधरा सको? अब बिल्कुल मैं आपको गुजराती में, शुद्ध गुजराती में प्रश्न पूछूं कि समझो कि एक लड़की या एक लड़का अच्छो लग रहे है, यार शादी क्यों नहीं कर ले? शादी करने में निष्ठा नहीं है, क्योंकि माथे पड़ जाए ना, गले पड़ जाए, ताक झांक करने में निष्ठा है। ताक झांक में निष्ठा है, यार शादी कर ले ना, घर में आ जाएगी, घर में आ जाएगा, तो वहां में निष्ठा नहीं है। तो ये क्या है, धर्म निष्ठा है ताक झांक की? ये छप्पन भोग के मनोरथ हो रहे हैं, ये हिंडोला के मनोरथ हो रहे हैं, ये फूल मंडली के मनोरथ हो रहा है, नंद महोत्सव है, नंद घेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और देपाल गया, तेरे घर में बसा लेना, ये तो लफड़ा घर में कौन बांधे? मतलब धर्म निष्ठा है, धर्मी निष्ठा नहीं है, ये लफड़ा है। ध्यान से समझो, भक्ति ऐसी नहीं हो सके, भक्ति ऐसी नहीं हो सके। यदि सचमुच में तुमको धर्म निष्ठा है तो वह धर्म जाके लिए है, वह धर्मी में भी तो निष्ठा तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कॉमन सेंस की बात है, मैं कोई बहुत गंभीर कथा नहीं कह रही हूं कि जो समझ में नहीं आ सके ऐसी कथा हो। या लिए शास्त्रकारन ने, बहुत सारे शास्त्रकार ये निष्ठा उष्ठा को चक्कर मिटा के भक्ति को या तरह से परिभाषित करना चाहे हैं कि आराध्यत्व प्रकार का ज्ञानम भक्ति। आराध्य, आराध्य को मतलब समझो, आराध्य को मतलब है जाकू मोकू खुश करना है, या प्रकार को मेरे अंडरस्टैंडिंग के याकू मोकू खुश करना है, ये भक्ति है। अपन आराधना को मतलब सेवा पूजा समझें, संस्कृत में सेवा पूजा मतलब नहीं है, आराधना को मतलब है कोई को खुश करनो, राधनम खुश करनो, आराध्य मने जाकू खुश करनो है वो। तो कोई को खुश करनो है मुकू, या तरीके की जो मेरी समझ है वो समझ भक्ति है, यूं कह जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भक्ति का एक बहुत पहलू या मैं खुल के सामने आ रहे हो है कि तेरे को कोई को खुश करना है, आराध्यत्व प्रकार का ज्ञानम भक्ति। और पर फिर सु यही बात समझनी पड़ेगी कि या किनारा पे आराध्यत्व प्रकार का ज्ञान के किनारा पे भक्ति लहरा सके है, पर आराध्यत्व ज्ञान, आराध्यत्व प्रकार के ज्ञान के किनारा पे भक्ति यदि कैद होती होती ना, तो ये बैठक यात्रा के वक्त जो बैठक यात्रा करें ना, सबको महाप्रभु जी की बैठक में आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान हो जाए, जारी भरवी छे, भोग धरवा छे, ले भर दे भर जारी, महाप्रभु जी पे ढुल जाए तो भर जारी, एक झारी उठे दूसरी झारी पधरावे, भर जारी, इतनो आराध्यत्व प्रकार, जैसे कि महाप्रभु जी कोई कोई कुछ चिर पिपासु है, बरसन के प्यासे ही हो, उन्हें कभी जली पीना नहीं मिले हो, या तरह से अपने को लगे कि खुश करो पानी पिला के महाप्रभु जी, कोई तरह से दे पानी, अभी कितनी प्यास लगेगी आदमी की, प्यास की भी तो कोई ठिकाने कोई, महाप्रभु जी इतनो प्यासा नहीं है कि सौ सौ आदमी झारी भर रहे हैं, उठा रहे हैं झारी भर रहे हैं उठा रहे हैं, आराध्यत्व प्रकार के महाप्रभु जी को प्रसन्न करो बस झारी भर भर के। और यात्रा पूरी भाई, फिर कोई को पता है कि महाप्रभु जी की बैठक में महाप्रभु जी के क्या हाल हो रहे हैं? कोई तो वहां महाप्रभु जी पे घास के पुड़ाए रखे हुए हैं, कोई में कचरा नहीं निकल रहे हो, कोई में कुछ हो रहे हो, वो तो यात्रा पूरी हो गई, फिर आराधना भी पूरी हो गई ना अपनी। तो ये जो ज्ञान है ना, ये बहुत दूर तक नहीं ले जाए है, बैठक जी में प्रकट हो जाए आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान, पर वो महाप्रभु जी को झारी भर के मैं देखो तो मजा आवे हो, या तो अपने मैगजीन ने सब वो पुस्तिकाएं निकाली हैं कि पछी नहाया पछी हाथ में अत्तर लगाड़वू, अने रेशमी रुमाल में चांदीनी कटोरी में सूको मेवो राखो, अने सूको मेवो धरवो, अने झारी बोलता वक्ते यमुनाष्टक बोलवो, अने पछी सामे धरवू। अरे क्या नाटक लगा रखे हो यार, कौन को बेवकूफ बना रहे हो? ये क्या धंधा है? ये या का नाम भक्ति है? यदि सचमुच में तुम महाप्रभु जी को अपना आराध्य मान रहे हो, सचमुच में तुम महाप्रभु जी को आराध्य मान रहे हो,
तो जिन दिनन में तुम यात्रा नहीं कर रहे हो उन दिनन में महाप्रभु जी की बैठक में महाप्रभु जी की क्या स्थिति है, बाकी तुमको चिंता हो रही है? बोले अभी आटली बदी चिंता तो करवा जी, ये तो पारज न पड़े ना, तो मतलब आराध्य तो प्रकार का ज्ञान तो नहीं है ना। तुम्हारे बच्चा की ये दुर्गति कोई कर तो, समझो तुम कोई के घर में जाओ और तुम्हारे बच्चा के पीछे कोई पड़ जाए कि लो बा बालक ने खुश करो छे, खवड़ाओ चॉकलेट, पिवड़ाओ दूध, अरे झाड़ा था तो था पर दूध पी। आराध्यत्व प्रकार अज्ञान करवे दोगे तुम? नहीं करवे दोगे, क्योंकि अपन ने एक खोटो बहम पाल लियो है कि अपने को खुश करना है महाप्रभु जी को। कितनी देर खुश करना है? जितनी देर यात्रा को मुकाम बैठक जी के वहां, बस इतनी देर। वास्तव ज्यादा कुछ करने की बची, ज्यादा धांधल करनी क्यों? तो ये एक बात समझो, बहुत सिग्निफिकेंट पहलू है आराध्यत्व प्रकार के ज्ञान भक्ति को, पर फिर पाछो इतना बड़ो पहलू नहीं है कि जहां में पूरी भक्ति को जो सागर है वो या किनारा पे समा सके। एक अच्छो किनारा है भक्ति को, एक अच्छो मधुर किनारा है जा किनारा पे भक्ति लहरा सके है, पर सारी भक्ति या किनारा में समा नहीं सके है। या बात को रखें, मैं समझूं आज 10 बज गए, बाकी को विषय 9 अपने हो गए पॉइंट, 9 अपन ठाकुर जी महाप्रभु जी कृपा से शायद कल कर पाएंगे। पर इन पहलू उनको समझोगे तो आपको पूरा भक्ति को होल पिक्चर क्या है वो ख्याल आएगा कि महाप्रभु जी कैसे भक्ति को समझाना चाह रहे हैं। आज आश्रय को पद गा के यहाँ रखें, दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में जासो निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरो, चरणन केरो।